रहा है। हम तो घूमते रहते हैं हर जगह पे और करते रहते हैं अपना काम, लेकिन एक बार सबसे ये विनती है भाई, बॉर्डर पे आओ, यहाँ आओ, अपने विचार रखो और बताओ भाई मेरे को ये कमी लग रही है या कुछ है तो उसको पूरा करो, आओ तो, लेकिन बॉर्डर पे आओ भाई, घर बैठे बैठे नहीं बोलना। हरियाणा हेडलाइन देखने वाले सारे दर्शकों ने राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि जो भी हम वीडियो डाल लें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके बारे में आप क्या सोचते हो हमें कमेंट्स करके जरूर बताना, धन्यवाद। मैं प्रदीप दलाल मुसाफिर न्यूज़ चैनल के साथ आप जुड़ गए हैं मेरे साथी सहयोगी जयपाल सिंह के साथ। अभी हम मौजूद हैं टीकरी बॉर्डर पर, पीछे की तरफ आपको बैरिकेड दिखाई दे रहा होगा। तो आज हमारे साथ जो जुड़े हैं वो किसी नाम के मोहताज नहीं, दीपक फौजी जी हैं, उनको सब लोग जानते हैं, आप लोग सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल रहते हैं। और आजकल संयुक्त किसान मोर्चा क्या चल रहा है उस पर पूछेंगे, क्या दो फाड़ हो चुका है इसके बारे में हम दीपक फौजी से पूछें। दीपक फौजी, राम राम भाई। राम राम भाई, क्या संयुक्त किसान मोर्चा में किसी प्रकार की दरार आ चुकी है? बिल्कुल भी नहीं है भाई, ना आने दी जाएगी। जो भी कुछ चल रहा है ना, ये भाई वो अलग होगा, वो अलग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। या हमारे यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं, प्रदीप धनखड़ भाई भी वहीं थे, डॉक्टर साहब रहे या वो ताऊ रहे, उनका भी। अगर कोई ये कह रहा हो ना कि भी दो फाड़ होगी, अगर वो खुद भी कह दे ना, जो बड़े नेता का नहीं, हम अलग अलग हैं, तब भी उनको अलग नहीं होने दिया जाएगा। क्या कारण है इसका? कारण ये भाई, हम मिलजुल कर लड़ेंगे, सबकी लड़ाई एक है, तो अलग होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। लड़ाई हमारी लड़ाई क्या, हमारे मुद्दे क्या है? MSP गारंटी कानून और तीनों कानून रद्द, यही हमारी लड़ाई है ना। लड़ाई सबकी एक है, मंजिल सबकी एक है, तो अलग अलग कैसे हो जाएंगे? वो जो भी छोटा मोटा भाई घर में दो भाषण होंगे तो खुड़के भीगे, अरे खुड़का तो होना होता रहा, वो भी ठीक है, इन चीजों का हमारा कोई दिक्कत नहीं ना कोई खतरा, होने दो भाई खुड़का करे करो, लेकिन जगह पे एक परेणा पड़ेगा और एक जगह पे लास्ट तक रहेंगे, इतना भी कन्फर्म है। और जो बोल रहा जा रहा है, बार बार अफवाह फैलाई जा रही है कि बॉर्डरों पर तो भीड़ है ही नहीं, भीड़ चली गई टूलों की तरफ, ऐसा है भाई ये चीज। एक मैंने कल भी बोला था भाई, हम लड़ाई लड़ रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, जो बैठे ना यहाँ पे, आपको जहाँ पहुँचना चाहिए ज़्यादा ज़्यादा दिल्ली बॉर्डर पे, आपको अगर कुछ लोग करके भाई जो छोटे मोटे वाद विवाद हो जाते हैं उसको सुलटने के लिए हरियाणा के अंदर हमारी खा पंचायतें हैं या और दूसरी जो हमने पंचायतें बना रखी हैं, अगर किसी गांव में आ रहा है, किसी शहर में कोई आ रहा है, तो वहां के लोग उसका विरोध करेंगे और विरोध भी एक हद तक किया जाता है, भाई काले झंडे दिखा दिए, नारेबाजी कर दी, हमने कोई लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं, शांतिपूर्वक विरोध करना है, तो उस विरोध में तो ऐसा कुछ होना ही नहीं है, वो विरोध वहाँ जो बैठे लोग वो कर सकते हैं आराम से। तो आज जितना भी अपना ज़्यादा ज़्यादा ध्यान रखना है ना, वो रखना दिल्ली बॉर्डर के ऊपर। और ये कल भी बताया था, आज फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, अगर भाई फिर भी कोई सुन रहा हो तो जितना ज़्यादा ज़्यादा पहुँच सकते हो, लड़ाई हमारी यहाँ पे है, लड़ाई हमारी केंद्र सरकार से, तीनों कानून रद्द वहाँ से होंगे। अगर हम इस दिल्ली बॉर्डर पर लोग बैठे हुए और बार बार हमारा ध्यान जा रहा है हरियाणा की तरफ, भाई हरियाणा में अब ये हो गया, ऐसा कुछ मत करो जिससे ध्यान बार बार हरियाणा की तरफ जाए। हमने किसी का विरोध करना है, हमने काले झंडे दिखाए और अपनी नारेबाजी की, उसका विरोध कर दिया, बात खत्म। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं आप वहाँ पर आओ, अगर और कुछ नहीं है आपके पास, एक घंटे का टाइम है, दो घंटे का टाइम है, वो टाइम अपना इधर बॉर्डर पे लगा के जाओ, हकीकत आपको यहाँ पता लगेगी, हकीकत वहाँ बैठने से पता नहीं लगती। आपने टोल बंद कर रखे हैं वहाँ पर, अपने 5-10 आदमी छोड़ दो, भाई टोल तो फ्री है ही, जितने भी टोल फ्री वहाँ 5-10 आदमी छोड़ दो, नफरी चाहिए हमारे को यहाँ पे दिल्ली पे, फैसला होगा दिल्ली से होगा, फैसला हरियाणा से नहीं होगा, फैसला दिल्ली से होगा। यहाँ पर जब हमारी संख्या ज्यादा होगी, फैसला करने वालों को भी ये पता लगा हमें तेरी ताकत बहुत ज्यादा है, सरकार को भी पता लगा इनकी ताकत यहाँ पे बढ़ रही है, तभी और ज्यादा जल्दी फैसला होगा। नहीं तो अलग अलग ये चल रहे हैं ना, जो इनको आह्वान कर लिया, बता दिया, आराम से समझा दिया, बोल रहे हैं भाई हम 2-4 दिन में हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो भाई 2-4 दिन हो रही है, अपनी ज्यादा जितना ज्यादा जोर लगाना है वो लगाना हमने दिल्ली बॉर्डरों पे, यहाँ अपनी संख्या भी बढ़ाओ और अपनी ताकत भी यहाँ दिखाओ। अच्छा, दूसरी तरफ देवेंद्र बबली का विरोध किया गया, किसानों पे पर्चे दर्ज हो गए, अंदर हो गए, उस मामले को लेकर भी काफी उछाल जा रहा था और बार बार ये कहा जा रहा था कि दो फाड़ हो गए हैं, एक बार गुरनाम चनूनी जी ने बयान दिया हमारे आदमी नहीं है, दूसरी बार दे दिया कि हाँ ठीक है हम उनसे बातचीत करें, उनको बाहर निकलवाएं। ऐसा है जैसे 6 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं, एक आदमी लगातार बोलता रहोगा भाई, आदमी के मशीन खराब हो जाए, ये तो आदमी है, कोई ना कोई एक आधी बात ऐसी निकलेगी और फिर मीडिया को क्या चाहिए, मीडिया को चाहिए मसाला, वो एक बात पकड़ ली, अब उसी बात पर रट्टा लगाते रहेंगे। अब कल जो फैसला हुआ था, ये रे ताऊ जी जो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और भाई जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई है उसमें भी ये सभी मौजूद थे, कन्फर्म कर दिया उनके साथ, भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है जो बोल लिया गया था गलत है, जो भी सहयोग कर रहा है चाहे वो सोशल मीडिया पर कर रहा है, ग्राउंड पर कर रहा है,
वो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा, संयुक्त किसान मोर्चा ने क्लियर कर दिया। अगर उनके साथ कुछ भी होगा तो संयुक्त किसान मोर्चा साथ खड़ा है, और ये बात हमने पहले बताई थी, कोई भी फैसला होगा ना वो संयुक्त किसान मोर्चा जो बोलेगा वो माना जाएगा। एक अकेला पर्टिकुलर आदमी या पर्टिकुलर नेता कोई कुछ बोलता है उसको नहीं माना जाएगा, फैसला वो माना जाएगा जो संयुक्त किसान मोर्चा मिलकर फैसला करेगा। तो अभी क्या लग रहा है कि कोई संभावना है जल्दी कोई संयुक्त किसान मोर्चा बड़ा आह्वान करेगा, इसकी उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल है, उम्मीद क्या करेंगे बड़ा फैसला, लेकिन पहले आप भी तो आओ। आप वहाँ पर बैठे बैठे हरियाणा में बैठे बैठे लोग पूछते रहते हैं भाई क्या संयुक्त किसान मोर्चा क्या करेगा। अरे यहाँ बॉर्डर पे आओ, यहाँ का हमने सामने बैठ के पूछ लो, यहाँ दिखाओ बोले हम तो आ गए, अब आप लोगों ने फैसला करना है। एक बार यहाँ पर इनके हाथ तो इतने मजबूत करो, इतनी ताकत मजबूत करो कि ये लोग खड़े होकर कोई फैसला लें तो पूरे देश में एक साथ लागू हो जाए। अब फोनों पर बोलते रहते हैं, मीडिया में सोशल मीडिया पर जो करते रहते हैं, कोई देख रहा कोई नहीं देख रहा। हो सकता है मेरा वीडियो वो लोग देखे जो आज तक आंदोलन में आए भी ना हो, या हो सकता है वो लोग देखे जो आंदोलन में लगातार चल रहे, वो भी कहीं घर बैठा बैठा बोल रहा है। हम तो घूमते रहते हैं हर जगह पे और करते रहते हैं अपना काम, लेकिन एक बार सबसे ये विनती है भाई बॉर्डर पे आओ, यहाँ आओ, अपने विचार रखो और बताओ भाई मेरे को ये कमी लग रही है या कुछ है तो उसको पूरा करो। आओ तो, लेकिन बॉर्डर पे आओ भाई, घर बैठे बैठे नहीं बोलना। कोई आखिरी मैसेज जो हमारे दर्शकों को देना चाह रहे हो हमारे चैनल के माध्यम से, और जो सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया की इस आंदोलन में क्या भूमिका मानते हो आप लोग? भाई नेशनल मीडिया तो कोई भूमिका है नहीं इस आंदोलन में, उसने जितना दिखाया है आंदोलन का नेगेटिव दिखाया है, उसने आज तक ना कोई किसानों की न्यूज़ दिखाई। वो तो खुश थे कि भी आंदोलन कल का टूटता आज टूटा, वो तब खुश होंगे। बची सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, जो यूट्यूबर भाई हैं वो भी योगदान कर रहे हैं। आप लगातार पिछले 6 महीने से इस बॉर्डर पर, मैं शुरुआत से देखता रहा हूँ, आप और कहीं नहीं गए हो, हाँ जी, लगातार टिकरी बॉर्डर पे हो, हाँ जी। दो तीन भाई और हैं जो लगातार यहीं पे चल रहे हैं, अगर वो भी नहीं दिखाएंगे, यूट्यूबर नहीं दिखाएं, सोशल मीडिया वाले नहीं दिखाएंगे, तो हो सकता है लोगों को पता भी ना लगे क्या चल रहा है। अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या आप अपनी बॉर्डर पर बढ़ा सकते हो, टिकरी बॉर्डर, सिंघी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, जिसके जो नज़दीक बॉर्डर लगता है वहाँ पर पहुँचो। यहाँ पर आप देखो खाने की रसद भी नहीं पहुँच पा रही है, और तो क्या होगा, पानी तक नहीं पहुँच पा रहा है। ये देखने का काम जो लोग पीछे हैं ना उनका है, हमारे को तो ये चीज़ कहने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन ये जो बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कुछ भी हुआ है ना उसकी वजह से गड़बड़ चल गई थी, लेकिन इसको सुधार कर दिया है। अब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम दो, बॉर्डरों पर दो, और बॉर्डरों पर भाई रसद जरूर पहुँचाओ खाने की पीने की। धन्यवाद दीपक फौजी जी। दीपक फौजी हमारे साथ जुड़े थे टिकरी बॉर्डर से। तो दीपक फौजी ने एक बात को खुल के बता दिया गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा में कोई दो फाड़ नहीं हुआ है, सिर्फ अफवाहें हैं, अफवाह पर ध्यान ना दीजिए, और जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई जा रही है उस पर ध्यान दीजिए। दीपक फौजी का धन्यवाद। और टीकरी बॉर्डर से मैं प्रदीप दलाल, मेरे सहयोगी जयपाल सिंह के साथ, धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।